जी जी बिसमिल रही सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रेटजीज व्हिच वी स्टार्टेड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट ये भी एडवांस लेवल की हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं जिसमें हमने पहले ऑप्शन की कुछ बेसिक्स की बात की अब हम चाहते हैं आप थोड़े बड़े हो जाए बड़े हो जाए इन लेट्स टॉक अबाउट कोर फिगर्स लेट्स टॉक अबाउट हाउ द थिंग्स एक्चुअली ऑपरेट इंटरनेशनल लेवल पे ये मार्केट कैसे ऑपरेट करती हैं वी डू विद हेल्प ऑफ सम एंड सम डाइग्राम्स सो मेक श्योर वी आर देयर इसको स्लो मोड में रिपीट में डू लिसन टू इट एंड हैव अर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओके दिस इज अ डेटा विच बी गोइंग टू यूज इन दिस मॉड्यूल या हम थोड़ा सा इसको रिपीटली यूज करेंगे मेक श्योर यू हैव अ गुड ग्रास प्रॉफिट इस डाटा की बेस पर हम लोग फर्दर अपने टेबल्स एंड चार्ट्स को फर्दर लेके मूव ऑन करेंगे तो मेक श्योर वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इसमें हम बात करें कि जी एक्स वाई जी एक स्टॉक है ये आपकी सिम्पलिसिटी के लिए रखा है बट वी कैन इवन नेम इट करंटली उसकी प्राइस है फिफ्टी टू पॉइंट वन फोर डॉलर और ये इसका प्रीमियम नाउ इस कोटेड हम एज्यूम करेंगे टुडे इज मार्च ट्वेंटी और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसमें वो हमारे पास हैं जी अप्रैल मई और जून एक्सपायरेशन डेट्स की यानी कि थर्टी वन डेज सिक्सटी वन डेज एंड नाइन्टी वन डेज इन द फ्यूचर रिस्क फ्री रेट जो अभी करेंटली चल रहा है ये थ्री परसेंट है मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जब इस तरह का हम कोई केस कर रहे हो मेक श्योर यू जॉड द डेटा ऑन अ पीस ऑफ पेपर आप उसका एक टेबल सा बनाएं ताकि वो टेबल फिर आप बार बार उसको रिफ्लेक्ट कर सकें रिलेट कर सकें वॉलिटिलिटी एज अजूम टू बी कॉन्स्टेंट सिक्सटी परसेंट कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग बट बाकी जाके आगे हम उसको फर्दर ब्रेकडाउन में लर्न भी कर लेते हैं दूसरी हम बात करें स्टॉक का स्टॉक वो जो डिविडेंड है वो नील है ईच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज राइट ओवर हंड्रेड शेयर बट दिस टेबल शो प्राइस पर शेयर एंड वी विल वर्क इन पर शेयर टर्म्स अनलेस अदरवाइज स्टेट। वैसे तो हंड्रेड की लॉट में यानी कि वो ट्रेड होता है हम पर शेयर की बात करेंगे इसको जरा समझ लें कि यहाँ पे क्या बात हो रही है ये हमारा जो टेबल है दैट इज कॉल प्राइस कॉल प्राइस मीन कि कॉल ऑप्शन की क्या वैल्यूएशन है स्ट्राइक प्राइस के इस ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस हमारे पास क्या रिलेट कर रही है और इसको पहले हम बात करते हैं कि फिफ्टी की स्ट्राइक प्राइस पे जो अप्रैल की कॉल ऑप्शन है वो फोर पॉइंट एट के प्रीमियम पे मिल रही है मैं इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे इसकी यूटिलाइजेशन मे की जो मिल रही है ऑप्शन वो सिक्स पॉइंट टू सिक्स मिल रही है और जून पे जो मिल रही है वो सेवन पॉइंट फोर अगर हम अपनी पॉइंट्स पिछली बातें रिलेट करें तो यू शुड सी के जितनी जैसे जैसे टर्म बढ़ती जा रही है ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होता जा रहा है तो दिस मीन्स के टाइम हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ दिस इसको हम कहेंगे क्या लेट सपोज कि मैं ये कहता हूं कि मे की मैं फिफ्टी स्ट्राइक वाली लूंगा तो हम कहेंगे कि मे फिफ्टी की ऑप्शन मैं, मैं खरीद रहा हूँ और उसकी मुझे प्रीमियम कितना फिर देना पड़ेगा सिक्स पॉइंट टू सिक्स तो सिमिलरली अगर वो मेरी प्राइस जो है कॉल की वो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव पे चला जाऊं डेफिनेटली क्योंकि प्राइस बढ़ गई है कॉल ऑप्शन इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी उसका प्रीमियम थोड़ा कम हो गया है इसी तरह अगर वो फर्दर 55 फाइव पर चला जाता हूं तो प्रीमियम्स और कम हो गए तो दिस यू कैन सी कि ये हमारा कॉल का स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है नाउ लेट्स मूव टू पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन में क्या है राइट टू सेल तो मैं चाहूंगा कि मैं जितना ज्यादा महंगा बेच सकूँ मेरे लिए उतना अच्छा है तो so, अब फिफ्टी में जब हम बात कर रहे हैं फिफ्टी में अप्रैल का प्रीमियम है टू पॉइंट फाइव थ्री मे में वो ही थ्री पॉइंट एट सेवन हो जाता है और जब हम जून में जाते हैं इट टेक्स अस टू फोर पॉइंट एट सेम लॉजिक टाइम इंक्रीज द वैल्यू गोइंग टू इंक्रीज बट इसमें इफ द स्ट्राइक प्राइस इज इंक्रीज योर प्रीमियम इज इंक्रीजिंग यू कैन सी कि वो टू पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट सेवन हो गया बिकॉज वेन यू वॉन्ट टू सेल यूट सेल तो इसकी प्राइस का इसमें अच्छा ज्यादा इम्पैक्ट आ गया तो सिमिलरली फिफ्टी फाइव पे जाके फर्दर इंक्रीज आ गया तो ये रिलेशनशिप हमें बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना वी शुड एबलस्टैंड एंड रिलेटेड इन आर ड्यू कोर्स ओके और ये हम रिपीटेडली इस डेटे को इस्तेमाल करेंगे टू मेक श्योर योर वेल वर्स विदा अब हम इसको लेके फर्दर थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि हाउ थिंग्स रिलेट कंसिडर ए इन्वेस्टर हुईज बाय का मतलब है कि वो लॉन्ग हो रहा है एंड एक्स वाई में फिफ्टी कॉल रिमेम्बर मैंने कहा था कि मे फिफ्टी का मतलब क्या है कि मे इज द पीरियड और फिफ्टी इज द स्ट्राइक प्राइस और उसका प्रीमियम उसको कितना पे करना पड़ेगा सिक्स पॉइंट टू सिक्स फ्रॉम द टेबल वी जस्ट सॉ एट मे एक्सपायरेशन ऑप्शन विल बी आइदर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी वो तो वी डोंट नो वट विल वेज डिपेंडेंट ऑन वेदर स्टॉक इज देन अब और बिलो बिलो फिफ्टी इट विल बी आउट ऑफ द मनी क्योंकि मार्केट में अगर नीचे होगा और हमारे पास ऑप्शन होगी पचास की तो हमें उसको लेने का कोई फायदा नहीं है तो इसका मतलब इंटरेंसिक वैल्यू विल भी ज़ीरो वाइल अब फिफ्टी विल भी इक्वल स्टॉक प्राइस यानी कि अगर वो फिफ्टी से होता है या फिफ्टी से बढ़ता है तो देन इट विल मेक समूफ तो अब हमारे पास जो की डिटर्मिनेंट जिस तरह हमने पहले बात किए थे वो यहाँ पे हम थोड़े इसको दोबारा देख लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस करेंट लेवल्स और जो उसकी वॉलिटिलिटी ये जो हमने बात की थी ये हमें फैक्टर्स देखे इसकी डिटर्मिनेशन होगी नाउ इफ़ यू लुक एट दिस टेबल दिस टेबल विल गाइड यू वेयर वी कैन गो विद आर ऑप्शन जी ये अगर आप इसको देखें इन सिंपल टर्म्स हमारे पास इसमें ये पहले तो टेबल समझ लें ये है क्या जो एक्स एक्सिस है ना इसमें ये स्टॉक की प्राइस है और ये यही पैटर्न हम आगे यूज कर रहे होंगे और जो वाई एक्सिस है आपका उसमें आपका ज़ीरो से ऊपर उसका प्रॉफिट है ज़ीरो से नीचे इसका लॉस है तो इट कुड बी आइर अगेन और इट कुड बी अ लॉस वी शुड टेबल टू अंडरस्टैंड अच्छा जी अब हमारे पास पॉइंट क्या है हमने कितने पे लिया हुआ है कॉल ऑप्शन दैट इज फिफ्टी तो ये हमारा जो स्ट्राइक है वो हमारी यहाँ पे फॉल कर रही है कि वी आर प्लेस समवेयर है तो अगर ये फोर्टी पे होता है तो इसका मतलब क्या होगा इट विल नॉट गिव अस एनी बेनिफिट इन फैक्ट हमारे लिए वो हम यही कहेंगे कि ये आउट ऑफ मनी है एंड इट विल नॉट गिव एनी थिंग गुड आउट ऑफ इट तो वो जीरो वैल्यू फॉर लॉन्ग कॉल वेन एक्स वाई जी प्राइस इज बिलो फिफ्टी लेकिन अगर वो चला जाता है सिक्सटी पे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास राइट है कि वी कैन बाई अ स्टॉक एट फिफ्टी और अब वो मार्केट में है सिक्सटी पे तो दैट मीन्स स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्स वी विल गेन आउट ऑफ इट दैट मीन सिक्सटी माइनस फिफ्टी टेन डॉलर इज आर गेन तो ये एक ऑप्शन का पे ऑफ है तो so, ये टेबल को जरा थोड़ा केयरफुली देखें एंड लर्न हाउ थिंग्स रिलेट इन दट फाइन टू वी विल मूव अ हेड विद अब फर्दर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स वाई जी स्टॉक प्राइस एट इज फोर्टी देन कॉल विल एक्सपायर आउट ऑफ मनी कि वो फोर्टी का है आउट ऑफ मनी है नो यूज टू अस एंड इफ स्टॉक इज एट सिक्सटी तो वी हैव जस्ट दैट के वी विल बी गेनिंग टेन आउट ऑफ इट अब टेन तो हम एब्सोलूट गेन की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सिर्फ इसमें जो चेंज है वो टेन का है लेकिन हमें ये ऑप्शन फ्री तो नहीं मिली थी तो इसका मतलब है कि जब स्टॉक चालीस का था तो हमें जीरो नहीं हुआ था लॉस हमें लॉस हुआ था सिक्स पॉइंट टू सिक्स का जो हमने ऑप्शन पे किया था वे जब स्टॉक हो गया टेन का तो हमें टेन का गेन नहीं हुआ टेन में से वो कॉस्ट भी तो माइनस करें ना जो हमने पे की भी है, तो तो माइनस दिस दैट गिव यू हमें ओवरऑल गेन जो आया वो थ्री पॉइंट सेवन तो ये है ये स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है जी इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो यू कैन सी के ये जो Uh, हमारी डॉटेड लाइन है दैट्स द वैल्यू और एक्चुअली जो हमारा प्रॉफिट या लॉस है वो दैट्स बीइंग शोन विद द सॉलिड लाइन ये हो क्यों रहा है बेसिकली क्योंकि हमें 6.26 का प्रीमियम देना है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही माइनस सिक्स से होगा और एक सर्टन लेवल के बाद जाके हमारा होगा यानी कि जब क्योंकि 50 स्ट्राइक प्राइस है जब स्टॉक 56.26 का हो जाएगा तो दैट विल बी आर ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है दैट्स द पॉइंट जहाँ पे हम नो गेन नो लॉस पे खड़े होते हैं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारे आ जाएगा और इसके बाद अगर प्राइस स्टॉक की बढ़ेगी तो वी विल बी गेनिंग आउट ऑफ इट ये वही ग्राफ हमने इसको सेपरेटली शो कर दिया है ब्रिंगिंग इन द कॉल ऑप्शन प्राइसिंग जो कि हमने इसमें इनकोपरेट की है तो बेसिक मोटिवेशन होती क्या है कॉल ऑप्शन लेने की कॉल ऑप्शन के हमारा मकसद क्या है कि वी आर बाइंग टू मेक प्रॉफिट और हमारा मेन एम क्या है कि अगर प्राइस बढ़े तो वी विल गेन आउट ऑफ इट लेकिन इसके डाउन साइड हमारे पास नहीं होती कि ये अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर जाएगा तो आपने जो प्रीमियम दिया है उतना चला जाएगा लेकिन आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा वे अ कॉल इज सोल्ड अब उसके अगेंस्ट जो कॉल राइटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम वेन कॉल इज़ सोल्ड विदाउट एनी हैजिंग यानी कि सिर्फ कॉल राइट right कर दी कि आप जब मर्जी चाहे मुझसे कुछ शेयर्स खरीद लें इस रेट पे तो वो एक वेरी रिस्की सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं कि नेकड या अनकवर्ड कॉल क्योंकि उसके पास उसकी पीछे कोई बैकिंग नहीं है कोई और उसकी कवरिंग नहीं है अभी हम बात आगे जाके करेंगे कि कवर्ड कॉल क्या होती है बट सिंपल बात हम ये करें कि एक कॉल बंदा खरीद रहा है जो कॉल राइटर है या लिख रहा है और उसके पीछे कोई बैकिंग अगर उसके पास नहीं है तो देन दैट इज रेफर टू एज अनकवर्ड और नेकेड कॉल और इसमें उसका जो पोटेंशियल लॉस है दैट कुड बी वेरी हाई सो दिस वाज अबाउट द कॉल ऑप्शन व्हेन वी टॉक अबाउट पुट ऑप्शन डायनेमिक्स रिमेन्स लिटिल सेम बट थोड़ा सा उसका जो स्लिप uh, साइड हो जाती है या ड्रामेटिकली वो अदर साइड है बिकॉज यू हैव राइट टू सेल नाउ तो इन दिस सरकमस्टांसिस वॉट विल हैपन इज कि अगर हमने यही फिफ्टी वाली जो है ऑप्शन हमने उस पर हम लॉन्ग हैं पुट ऑप्शन हमने ली हुई है तो उसमें हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि वे दैट विल बी क्योंकि उसका हमने प्राइस जो पे की हुई है दैट इज फोर पॉइंट एट एट डॉलर हमने उसका प्रीमियम पे किया हुआ है अब जो हमें वट वी कैन गेन आउट ऑफ इट इज़ इसके लिए भी अगेन वी नीड टू नो वट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट अब 50 पे तो हम बेच सकते हैं 50 पे हम बेच सकते हैं ये आपको पता है और इसकी जो अपनी कॉस्ट है वो है 4.8 तो 50 4.88 तो हमने इन केस देना है तो 45.12 फाइव इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट कि अगर स्टॉक इतना गिरता है तो हमें ब्रेक इवन लेवल पे हम आ जाते हैं इससे ज्यादा गिरेगा तो वी विल बी मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट सो दिस इज द मैक्सिमम गेन एंड लॉस पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कॉल कि यहाँ पे हमारा डायनेमिक्स जो है वो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं वी हैव राइट टू सेल और हमें जो अपना प्रीमियम कवर करना है ये वो उसी टेबल से है जो हमने पहले बात की थी कि आपका टेबल आ रहा है ये टेबल की यूटिलाइजेशन को देख के ये हो रहा है फॉर शॉर्ट पुट जिसने अब पुट ऑप्शन राइट की हुई है देन इट विल बी अदर साइड ऑफ द इमेज ऑफ पुट ऑप्शन और इसमें अगेन जितना उसने प्रीमियम लिया हुआ है उतने का तक की वैल्यू तक वो ही गेटिंग द बेनिफिट अगर उतने तक स्टॉक नहीं आता है तो ही नॉट बी लूजिंग उससे अगर ज्यादा नीचे आएगा तो ही विल बी लूजिंग लॉर्ड ऑफ मनी तो दिस इज हाउ द पुट ऑप्शन स्ट्रक्चर ऑपरेट कि हमने इस पे फर्दर स्ट्रेटजीज में इसकी और बात करनी है डिटेल पे इसको फर्दर हमने डिस्कस करना है थैंक यू